पूर्व मंत्री जुगल किशोर शर्मा जी का भी नाम लेंगे आप, नहीं, क्योंकि आपने देखा था, आपने उनका नाम लिया था शायद आपने, बिल्कुल हमने लिया था, और आज की डेट में वो कहीं मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, और अगर वो दिखाई दे रहे हैं तो वो इसलिए आप क्रेडिट दे रहे थे आज थोड़े नहीं आप बदले, बिल्कुल रोप वे जो लगे वो मिनिमम साइज की लगे, हमने कहा जो रोप वे लगे वो मिनिमम आवर्स में चले, हमने जो कहा कि उसकी कटरा में ही सारी बुकिंग हो, कंपटीशन में है, चाहे वो अयोध्या के साथ कंपटीशन हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ के साथ कंपटीशन हो, चाहे वो स्वर्ण मंदिर अमृतसर से कंपटीशन में हो, तो वो जो डेवलपमेंट की वहां पे एक स्पेस आनी चाहिए थी, वो एक डेवलपमेंट सही तरीके से वो फॉर्म में नहीं आ रही थी, जो भी स्टेक होल्डर्स को नुकसान होगा वहां पे, चाहे वो पालकी वाला हो, घोड़े वाला हो, पिट्ठू हो, उनको वन टाइम सेटलमेंट किया जाए उनके साथ, जहां तो उनके बच्चों को नौकरियां दी जाए, चाहे वो दुकानदार वाला हो, जिसको भी नुकसान होता है उसकी भरपाई की जाए। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को आग्रह किया था कि इसको 100% ओन करे, ये परिक्रमा जो हो ये श्री माता वैष्णो देवी की हो, और उस परिक्रमा से फायदा क्या होगा, बमाग का जो इलाका है पीछे पर्वता हिल, पर्वत हिल जो है सर्किट रूट बनेगा, बमाग के लोगों को फायदा, और खास तौर पे यहाँ पे ये बारीदार लोग हैं जो ये समझती हैं कि हम महरूम हो गए इस पास से कि हमारी डेवलपमेंट नहीं हुई, उस इलाके की डेवलपमेंट होगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। हॉलीटाउन स्टेक होल्डर्स डेवलपमेंट फोरम कटरा के प्रधान और पूर्व विधायक बलदेवराज शर्मा जी इस समय हमारे साथ मौजूद है। पार्टी कार्यालय, बीजेपी के पार्टी कार्यालय रियासी में एक कार्यक्रम था, उसके बाद हमसे बातचीत कर रहे हैं, स्वागत है आपका। दो दिन पहले आप एलजी मनोज सिन्हा जी से मिले थे कटरा के 16 मुद्दों को लेकर, क्या वो 16 मुद्दे हैं और क्या कुछ बातचीत हुई है और किस तरह का रिस्पांस था? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपके व्यूवर्स को भी। ये असल में कटरा के एक ज्वलंत मुद्दे थे, जिनमें खास तौर पे वहाँ पे रोपवे का एक मुद्दा था, यहाँ पे कटरा जो में एक्सप्रेस वे आ रही है उसका मुद्दा था, और बाकी मुद्दे भी जो थे उसमें एक कटरा के जो स्टेक होल्डर्स थे सारे के सारे, उन्होंने एक फैसला किया कि हम एक फोरम के तौर पे सब इकट्ठा हो जाएं तो अपनी बात रख रहे हैं, और वो एक फोरम बना। 24 ऐसे फोरम थे, चाहे वो एसोसिएशन हो, चाहे वो यूनियंस हो, चाहे वो एनजीओ हो। एक समझना चाहूंगा ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हमने देखा उसमें है, तो आमतौर पर एक राय बनाना काफी मुश्किल हो जाता है, और आपको प्रधान नियुक्त कर दिया गया, थोड़ा मुश्किल था ये या फिर आसानी से ये सब हो गया? मुश्किल ये था कि ये जिस किस्म की कटरा की अब भारत सरकार की तरफ से वहाँ पे डेवलपमेंट की बातें हो रही हैं, जैसे वहाँ पे सारी चीजें आ रही हैं, और खास तौर पे, और ये कटरा वालों को एहसास हो गया था कि हम अब कंपटीशन में हैं, चाहे वो अयोध्या के साथ कंपटीशन हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ के साथ कंपटीशन हो, चाहे वो स्वर्ण मंदिर अमृतसर से कंपटीशन में हो, तो वो जो डेवलपमेंट की वहाँ पे एक स्पेस आनी चाहिए थी, वो एक डेवलपमेंट सही तरीके से वो फॉर्म में नहीं आ रही थी, उसी को लगा और सब लोगों को लगा, एसोसिएशंस को लगा, सब एनजीओ को लगा, सब पार्टियों को लगा कि एक हमारी जुड़ता होनी चाहिए और एक यहाँ पे एक जुंडी के साथ ही एक फोरम बनना चाहिए, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सबको वहाँ। अपने रोपवे और एक्सप्रेस वे को लेकर जब एक बैठक हो रही थी इन मुद्दों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, अगले दिन प्रदर्शन भी हुआ, उस बैठक से आप उठकर चले गए थे, क्या कुछ आपका उस समय कहना था? आप लोगों से अलग राय आप रख रहे थे? मैं बिल्कुल लोगों से अलग इसलिए रख रहा था कि कोई चीज को लेने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आप हैं कहाँ खड़े, और खड़े होने के बाद आपको मिलना क्या है, और वही एक वो बात थी, वही एक वहाँ टर्निंग पॉइंट हुआ, और टर्निंग पॉइंट के बाद सब लोगों ने फैसला किया कि हम कटरा के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो स्टेक होल्डर एकजुट हो जाएं, और स्टेक होल्डर्स बनने के पीछे एक मुद्दा था, मुद्दा ये था कि वहाँ पे रोपवे का काम जो था वो जैसे माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने शुरू किया तो वहाँ पे बहुत हंगामा हुआ, और हंगामा होने के बाद स्ट्राइक हुई। स्ट्राइक होने के बाद गवर्नर महोदय ने एक 3 मेंबर्स की कमेटी बनाई, और जिसमें उन्होंने कहा कि कटरा के जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करेंगे, और जब कटरा वालों को ये लगा कि स्टेक होल्डर से बात हो गई तो उन्होंने कहा कि हम एक प्लेटफॉर्म पे आए, और मैं अपने उसके बाद ये फोरम बना, और उस फोरम में सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, 24 जो फोरम के सदस्य हैं, और उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। फिर हम वहां पे एक चुनाव हुआ है, चुनाव सीक्रेट तौर पे हुआ, और सीक्रेट तौर पे चुनाव होने के बाद चुनाव कमीशन बना, और उसमें जिसमें लोगों ने फैसला किया, जिसमें 6 लोग हमारे कोर ग्रुप में बने और एक मुझे प्रधान का वहां पे चुना गया, और हम उसी दिन से लगे हैं, और जो पहला हमारा काम था वो इसी का था कि हम गवर्नर मोदी से मिले, जिसमें 16 पॉइंट थे हमारे, जिसमें हमने अपने 16 पॉइंट्स पे कटरा को जो एड्रेस करते थे, कटरा सिर्फ कटरा नहीं, कटरा केडीए को करते थे एड्रेस करते थे, कटरा डेवलपमेंट पार्टी को, और खास तौर पे श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो एड्रेस करते थे, वो 16 पॉइंट हमने रखे। उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि अगर डेवलपमेंट होती है तो आम लोगों को जो कटरा सिटी में रहते हैं उन्हें भी फायदा होगा, यात्रा बढ़ेगी, 2 करोड़ आंकड़ा जाएगा ये।
बिल्कुल ठीक कहा, हमने जो मोटे तौर पे जो गौरव साहब के सामने पॉइंट रखे उसमें फोकस करने वाले पॉइंट तो एक तो ये कनेक्टिविटी थी जो कि हमारी 6 एक्सप्रेस वे जो कटरा तक आ रहा है। हमारा ये मानना था कि वो ताराकोट तक ही क्यों जाए, वो शिवपौड़ी तक जाए ताकि वो हमारी वो श्राइन है वहां पे डेवलपमेंट हो। इसी तरीके से गंडोला की जो बात थी, हमने कहा कि गंडोला जरूर लगे और मेरी पार्टी का स्टैंड भी था और जो हम जो फोरम वाले थे उनका भी था। हमने सिर्फ ये एतराज वहां पे किया कि गंडोला ताराकोट की वजह से कटरा में देवी पार्क से लगे या जोगाश्रम से लगे, और उसके बाद भी जिनको गंडोला लगने से जो भी स्टेक होल्डर्स को नुकसान होगा वहां पे, चाहे वो पालकी वाला हो, घोड़े वाला हो, पिट्ठू हो, उनको वन टाइम सेटलमेंट किया जाए उनके साथ, जहां तो उनके बच्चों को नौकरियां दी जाए, चाहे वो दुकानदार वाला हो, जिसको भी नुकसान होता है उसकी भरपाई की जाए। और फिर हमने वो कहा कि रोप वे जो लगे वो मिनिमम साइज की लगे, हमने कहा जो रोप वे लगे वो मिनिमम आवर्स में चले, हमने जो कहा कि उसकी कटरा में ही सारी बुकिंग हो, जिससे ये हो कि जिसको रोप वे का अगर नहीं मिलती है टिकट तो वो पुराने रूट से वो वैष्णो देवी के दरबार के लिए जाए। हमारे ये इसलिए हमने रखा। मनोज सिन्हा जी ने क्या कहा इस पर, क्या बात मान ली गई है या अभी इस पर विचार करने के? हमने अपनी बात को वहां पे प्रोजेक्ट किया है, उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है, उन्होंने सिर्फ इसके लिए नहीं दिया। हमारा मेन फोकस जो था वो परिक्रमा रूट के लिए था, जो 2 साल पहले टूरिज्म डिपार्टमेंट ने शुरू की, दुर्गा नाटक मंडली रियासी वालों ने शुरू की, और खास तौर पे उस पे योगदान जो था कटरा के टूर एंड ट्रेवल्स का था, हमने वो वहाँ पे रखी। इसमें पूर्व मंत्री जुगल किशोर शर्मा जी का भी नाम लेंगे आप? नहीं, हमने देखा था आपने नाम लिया था शायद आपने ही। बिल्कुल हमने लिया था, और आज की डेट में वो कहीं मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, और अगर वो दिखाई दे रहे हैं तो वो इसलिए आप क्रेडिट दे रहे थे आज थोड़े नहीं आप बदले, बिल्कुल बदलने की बात नहीं, उन्होंने किया है और उनको अपना पूरा राइट है कि वो भी करें जो भी कर रहे हैं, मगर आज की डेट में हम परिक्रमा के लिए हमने जिन लोगों ने आज की डेट में प्रयास कर रहे हैं उनका नाम ले रहे हैं, और परिक्रमा का जो रूट हमने कहा था उनको कि ये परिक्रमा जो है वहां से 9 देवियों से शुरू हो, दंसर तक आए, दंसर के बाद कटरा रियासी आए, भीम फोर्ट पे जाए, भीम फोर्ट के बाद कालका मंदिर यहाँ पे जाए, उसके बाद हमने कहा कि देवी वहां से चलते हुए डंगाकोट में जाए, डंगाकोट के बाद वहां पे एक डंगाकोट में मंदिर है वहां पे जाए, फिर हमने कहा कि ये टोट में मंदिर में जाए, फिर हमने कहा कि ये सुखाल देवीगढ़ के मंदिर में जाए, उसके बाद कालका मंदिर में जाए, देवी पिंडी से होके हमने नीचे का बताया था, और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को आग्रह किया था कि ये इसको 100% ओन करे, ये परिक्रमा जो हो ये श्री माता वैष्णो देवी की हो, और उस परिक्रमा से फायदा क्या होगा, बमाग का जो इलाका है पीछे पर्वत हिल जो है सर्कट रूट बनेगा, बमाग के लोगों को फायदा, और खास तौर पर यहाँ पे ये बारीदार लोग है जो ये समझती हैं कि हम महरूम हो गए इस बात से कि हमारी डेवलपमेंट नहीं हुई, उस इलाके की डेवलपमेंट होगी। तो ये भी एक अहम मुद्दा था, ये परिक्रमा। अगर दो मुद्दे वो हैं तो तीसरा मुद्दा जो परिक्रमा था, और परिक्रमा को आंधी रिकॉर्ड जो वरद साहब ने कहा उसको बड़े ध्यान से सारे मुद्दों को 16 के 16 को हमारे सुना, और सुनने के बाद ये कहा कि इन सब मुद्दों पे काम होगा और ये डेवलपमेंट की जो रास्ता है वो बने जी। चलिए, बारिश भी हो रही है तो इस इंटरव्यू को यहीं पे खत्म करते हैं, शुक्रिया आपसे बातचीत, बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व विधायक और जो स्टेक होल्डर्स का फोरम बनाया कटरा में, उसके प्रेसिडेंट बलदेव राज शर्मा जी से बातचीत कर रहे थे 2 दिन पहले, एलजी मनोज सिन्हा जी से मिले हैं, और कटरा के 16 ज्वलंत मुद्दों पर बातचीत हुई है, और इन्हें आश्वस्त उन्होंने किया है कि जो मुद्दे इन्होंने रखे हैं उन पर काम होगा। फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।